हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 11th के बारे में कम किए गए पाठ्यक्रम 2020 और 21 के बारे में, जो अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ आई है एमपी बोर्ड के थ्रू। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब, जो 30% सिलेबस कम हो चुका है 11th में और 9th में। 9th की मैंने पहले वीडियो बना दी, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख सकते हो नीचे ऊपर लिखा हुआ है, एक मिनट मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, कोविड-19 के कारण केवल 2020 और 21 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे कक्षा 11वीं हिंदी लिखा हुआ है। आप मैं स्क्रीनशॉट लेते रहना आप इसका। ठीक है, नीचे देख लो आप पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, कम किए गए पाठ्यक्रम कक्षा 11 हिंदी का। तो वितान भाग 1 में पार्ट 3 ओला आंधी, ये सब चैप्टर खत्म हो चुका है। नीचे लिखा भी है, नोट में लिख सकते हो कि पाठ्यक्रम में ये पाठ केवल पढ़ने के लिए होगा, परीक्षा में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। आप देख लो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं, 11वीं क्लास की इंग्लिश की कम किए गए चैप्टर मतलब विषय वस्तु। तो चैप्टर 3, 6, 7 और 8 ये चीज़ें नहीं आएंगी आपकी, डिस्कवरिंग दी टूट ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आप देखो और नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट विल बी कैप्ट फॉर रीडिंग, इट विल नॉट बी इंक्लूड इन असाइनमेंट दिस ईयर, नो क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम दिस बुक। तो जो स्नैपशॉट जो बुक है उसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके जो वार्षिक जो एग्जाम आने वाले हैं। अब आते हैं संस्कृत की बात करते हैं, 11th क्लास की जो संस्कृत है उसमें देख सकते हो काव्य की अन्य विधियाँ इकाई 2 ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है आपका। तो आप ये टेंशन मत लेना, हटा इसमें नीचे लिखा है पार्ट नहीं हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वीं कक्षा के, देख सकते हैं नीचे भौतिक शास्त्र के बारे में, इसका पार्ट 1 और पार्ट 13 वो हट चुका है। भौतिक जगत और अणु गति सिद्धांत ये दो चैप्टर ये आपके कट चुके हैं, इस वार्षिक जो शिक्षा होगी आपकी परीक्षा होगी उसमें ये कट चुके हैं दोनों चैप्टर, ये ध्यान रखना है। नोट कर लो इकाई 1 और इकाई 9 ये आपका कट चुका है ध्यान से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मिनट में स्लाइड कर लूँ ऊपर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रसायन शास्त्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका इकाई 5, इकाई 8 और इकाई 14 ये हमारा कट चुका है। इसमें द्रव की अवस्थाएं, अपच युपच अभिक्रियाएं और पर्यावरणीय रसायन, ये तीन चैप्टर आपके कट चुके हैं रसायन शास्त्र के अंदर 11वीं क्लास के अंदर। अब यहाँ देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नहीं पढ़ना ये वार्षिक परीक्षा के अंदर। अब आते हैं गणित के सब्जेक्ट के बारे में जो कम किए गए पाठ्यक्रम। तो आपके टोटल 4 पाठ्यक्रम आपके कम किए गए हैं, चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, गणितीय आगमन एवं सिद्धांत, रेखीय असमीकरण, ये सब चीज़ें जो 4 चैप्टर हैं ये आपके कम किए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में, 11वीं क्लास के जीव विज्ञान के बारे में, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 8 ये चीज़ें नहीं पढ़ना, जीव जगत एवं वर्गीकरण, कोशिकीय जीवन की इकाई ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ये चैप्टर, जितने भी ये 3 चैप्टर हैं इसको आप क्रॉस कर लेना, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें और बुक में भी मार्क करते रहें। अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में कोई भी चैप्टर कटा नहीं है, आपको पूरा अर्थशास्त्र पढ़ना है 11वीं क्लास को, आपका कोई भी चैप्टर नहीं कटा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। चलो अब नेक्स्ट में बात करते हैं लेखा शास्त्र के बारे में, लेखा शास्त्र में आपके 4 चैप्टर कट चुके हैं 8, 11, 12 और 13 जो भी आपके चैप्टर हैं ये आपके चैप्टर कट चुके हैं, ये लेखा शास्त्र के अंदर है। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर आपके ये चैप्टर नहीं आएंगे 4 चैप्टर आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं व्यवसाय अध्ययन की 11वीं क्लास के लिए। तो वहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, ये चैप्टर आपका कैंसिल हो चुका है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना जो वार्षिक जो आने वाली परीक्षा उसके अंदर। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इतिहास की बात करते हैं, इतिहास के में आपके 2 चैप्टर कट चुके हैं, एक है पहला और एक है 8, समय की शुरुआत से और संस्कृतियों का टकराव, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, ये 2 चैप्टर हैं जो भी आपको नहीं पढ़ने। अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान में, इसके अंदर भी आपके 2 चैप्टर कट चुके हैं 6 और 7, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, और भारत का सिद्धांत और संविधान व्यवहार वाली जो बुक है उसमें से संघवाद और स्थानीय शासन ये 2 चैप्टर आपके कट चुके हैं, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। ठीक है, समाजशास्त्र के बारे में तो इंट्रोड्यूसिंग टू सोशियोलॉजी, आपको सोशियोलॉजी ये नहीं पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, ये 2 बुकों के ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये डिलीटेड चैप्टर हैं, ये आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं भूगोल के लिए,
भूगोल जो भी 11वीं क्लास का भूगोल है उसमें 10वां चैप्टर है आपका प्राकृतिक संकट और आपदाएं कारण परिणाम तथा प्रबंध। ये आपको नहीं पढ़ना, ये चैप्टर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं होम साइंस के लिए। नीचे जो 11वीं क्लास की जो होम साइंस है उसके लिए आपको बाल विकास जो 8 इकाई है वो बाल विकास वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके में उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो उसको मत उसको स्किप कर देना आप, ठीक है। अब आओ मनोवैज्ञानिक। अब नेक्स्ट में आते हैं फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा के बारे में। उसमें से कोई भी चैप्टर डिडक्ट नहीं हुआ है आपको, सभी का सभी कंप्लीट पूरा आपको पढ़ना है उसको, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में मनोवैज्ञानिक। नीचे देख सकते हो मनोवैज्ञानिक में कम किए गए पाठ्यक्रम, तो थिंकिंग मोटिवेशनल एंड इमोशन, तो ये दो चैप्टर आपके कट चुके हैं, आपको इन दोनों चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, अब देखो कृषि संकाय, इसमें ये एक सब्जेक्ट है ये 11th क्लास का, इसमें भी काफ़ी चैप्टर कट चुके हैं आप देख सकते हो, 3रा 4था 8वां 18वां, ठीक है। पशुपालन दूध ये सब स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें मार्क कर लेना, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, इन चैप्टर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, या इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं थोड़ा होल्ड कर देता हूँ इसको आप, ठीक है, ओके। आप इसको देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं गृह विज्ञान में, गृह विज्ञान समूह के लिए 11वीं क्लास में, तो गृह विज्ञान आहार ये जो चैप्टर है 3 इकाई 6 8 4 4 और 6, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसको भी नहीं करना है, आप इसको देख लो अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हो, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अगले में आ जाते हैं कला समूह के लिए, ठीक है। कला समूह के लिए गृह विज्ञान ये जो आपका जो चैप्टर है 1 इकाई 8 का बाल विकास वाला ये नहीं पढ़ना है, कृषि वाला आपको पढ़ना है पूरा, उसमें से कोई भी चीज़ आपका डिडक्ट नहीं हुआ है वो आपको पूरा करना ही करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप जो लिखा है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इसमें से आपका कोई भी चैप्टर डिडक्ट नहीं हुआ है, आपको पूरे ही पूरा पढ़ना है ये विषय पूरे ही पढ़ना है, ठीक है। अब 11th क्लास की बात करते हैं, 11th क्लास के जैव प्रौद्योगिक जो आपका ये पार्ट है विषय है, इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर डिडक्ट हुए हैं आप देख सकते हो, चैप्टर 2 डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। जेनेटिक्स वगैरह ये डिडक्ट हो चुका है और सेल्स ऑर्गेन्स वगैरह ये डिडक्ट हो चुका है, आपको उसके स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपको मार्क करना है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है चैप्टर, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट में आप देख सकते हो ये आपको मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। ये द्वारा आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, कला समूह, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस द्वारा देख लो आप एक बार अच्छे से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो आप, और पीडीएफ फाइल भी मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाला, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ भी मैं सेंड कर दूँ। और ये है कुछ उर्दू का भी सिलेबस है, तो मुझे उर्दू आती नहीं है, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, उर्दू में भी कुछ है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, अपनी जो भी उर्दू वाले बच्चे हैं उनको कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल, टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।